गर्ल्स और बॉयज हैं, उन्होंने मिलकर यहाँ पर नागालैंड का सबसे कोल्डेस्ट विलेज। हो या गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नागालैंड अगेन। अभी हम हैं नागालैंड में और ये है विलेज है किदिमा। अभी इस विलेज के हम सेंटर पॉइंट पे हैं जहाँ से ये सरपंच का घर है और ये किदिमा विलेज काउंसलिंग हॉल है जहाँ पर हमें रुके हुए हैं। ये सरपंच जी से, यहाँ पर सरपंच को बोलते हैं चेयरमैन, तो चेयरमैन से हमारी बात हो गई थी तो उन्होंने हमारे रुकने की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। और ये है अपने टिकलू भाई, कैसे हो? बढ़िया। और ये यहाँ पर ये इसका सेंटर है। कौन अभी इन गांव दिखाते हैं, उससे पहले हम कहाँ रुके हैं वो भी देख लें। तो ये है कम्युनिटी हॉल, ये कुछ इस प्रकार से अंदर का। और हमने ना मतलब इतनी अच्छी जगह दी है यहाँ के जो चेयरमैन है उसने, ये देखिए अंदर बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। ये है ढोली है यहाँ पर और ये हमारा टेंट है। और यहाँ पर राइस वगैरह बन चुके हैं, ब्रेकफास्ट हो गया है और खाने की तैयारी चल रही है। खैर खाना तो अभी नहीं खाऊंगा मैं, थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ विलेज घूमने, उसके बाद मैं खाऊंगा खाना। और ये यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह रखे हैं, साइड में किचन भी उन्होंने ओपन करके दे दी हमारे लिए, बट हम किचन यूज़ नहीं कर रहे। इधर नितेश अपना कुछ कपड़े धो रहा है। ये यहाँ की किचन है देख सकते हैं, जो कि हमारे लिए ओपन करके इन्होंने रखी है। खैर इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के, मतलब आए थे शाम को, हम वेट किया उनसे बात किया, ऐसे ऐसे हम ट्रेवल कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमें रुकने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, तो उन्होंने हमारे लिए इतनी व्यवस्था कर दी है। चलिए अभी आपको गाँव दिखाते हैं। सो अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं। ये एक्चुअली बहुत ही प्यारी जगह है, ये पीछे मेरे पाप देख रहे हो। चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत जगह है। रात को हमने यहीं पे डिनर किया था। ये देखिए लाइटिंग वगैरह इन्होंने यहाँ पर सजा दी गई है, लगा दी गई है। रात को काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है यहाँ पर, लोकल पीपल आते हैं यहाँ पर और बातें करते हैं, खाना खाते हैं और मज़ा आता है। हेलो सर, हाउ आर यू? कपड़े धो रहे हो? कपड़े धो रहे हैं सर। और ये देखिए ये एक जगह है जहाँ पर बोन फायर हुई थी रात को और ये मेज वगैरह हैं। हेलो कैसे हो? यहाँ पर जो यहाँ के इस गांव के जो यंग गर्ल्स और बॉयज हैं उन्होंने मिलकर यहाँ पर ये रेस्टोरेंट ओपन किया है और ये कल स्टार्ट हुआ था हमारे उसी दिन से और ये जनवरी तक, न्यू ईयर तक चलेगा भाई। और यहाँ से वो सामने आप गांव देख रहे हो, वो है नागालैंड का सबसे कोल्डेस्ट विलेज पुस्तुरो, वहाँ जाएंगे। आई थिंक 30 किलोमीटर के आसपास में है और ये यहाँ से ना पूरा गांव नज़र आता है। चलिए आपको पूरा गांव दिखाते हैं। तो आपने ऊपर से देखा ये विलेज कैसा है, कितना खूबसूरत है। और सामने है वो है जाफू पीक। सो अभी हम आपको दिखाते हैं गांव को अंदर से। तो ये देखिए ये अपने टिकलू भाई ब्लॉगिंग कर रहा है। ये लाइटिंग वगैरह देखिए, बैठने की क्या व्यवस्था है, लाइटिंग है, सब कुछ कितना अच्छे से यहाँ पर मैनेज किया हुआ है। यही खूबसूरती है नागालैंड के गाँव की और यही खूबसूरती मुझे बार बार यहाँ नागालैंड में खींच के लेके आती है, सीरियसली यार। वाओ ये देखिए नीचे घर बने हुए हैं और यहाँ पर वो धान को सुखा रहे हैं। चलिए उनसे भी एक बार बातें करते हैं। सो आपको नागालैंड में हर गांव में इस तरीके से लकड़ी स्टोर करके रखते हैं। और ये देखिए यहाँ पर अंकल जी अपने धान सुखा रहे हैं यहाँ पर। और गार्डनिंग आपको हर घर में देखने को मिलेगी। ये धान है, धान सुखा रहे हैं। सो अंकल जी की जो उम्र है वो 80 साल की है और अभी भी काम कर रहे हैं। ये है गांव में रहने वाले लोगों की लाइफ। और ये लकड़ियाँ देख ली, हर जगह स्टोरेज कर रखी है यहाँ पर। इधर रास्ता नहीं है, हमें इधर से जाना पड़ेगा। तो चलिए और नीचे की तरफ निकलते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो हर गांव में इस तरीके से ये टायर का बना हुआ है और ये डस्टबिन है। तो ये अच्छी चीज़ है, हर चीज़ डस्टबिन में ही जा रही है यहाँ पर। और इस प्रकार की यहाँ की गलियाँ हैं देख सकते हैं। पहाड़ी एरिया गांव ऐसे ही होते हैं, ऑलमोस्ट डाउन में जाते हैं, अप में जाते हैं। ये घर देखिए कितना खूबसूरत है, गार्डनिंग देखिए इस घर की।
काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर टमाटर लगे हुए हैं, ये देखिए, और ये स्क्यूज हैं। यहाँ पर हर गांव में हर जगह आपको नागालैंड में ऐसे स्क्यूज मिल जाएंगे। और ये ना इनका टेस्ट बड़ा प्यारा है, मतलब इनका टेस्ट ऐसा है जैसे हम शकरकंदी खा रहे हो ना, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। हमने खाए थे, दो बार खाए, मज़ा आ गया, फिर से आज फिर बनाएंगे इसको। तो हमें पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, बट जो बड़ी बड़ी गलियाँ हैं, जो नेरो गलियाँ हैं, उनमें हम एंटर हो चुके हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ना, ये देखिए, इस प्रकार से मकान बने होते हैं। और यहाँ पर इस गांव के अंदर 6 खेल है, यानी कि एरिए जो अपनी साइड में होते हैं, थोड़ा उनको कुछ बोल देते हैं, ये पानना है, वो पानना है, समथिंग। तो यहाँ पर खेल होते हैं 6, तो 6 खेल हैं। और अभी मुझे नहीं पता हम कौन से खेल के अंदर हैं। और ये देखिए, ये मकान देखिए, क्या वाओ, पुराने मकान हैं यहाँ पर। और लकड़ियाँ देखिए, यहाँ पर कितनी स्टोरेज में रखते हैं, क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा होती है ना, इस वजह से लोग ये लकड़ियों को नीचे से लाते हैं काट के, और यहाँ स्टोरेज करते हैं, ताकि ये सर्दियों में भी इसको अच्छे से यूज कर सके। खाना पीना भी ऑलमोस्ट इन्हीं लकड़ियों पर बनता है। यहाँ हम आगे हैं, ये है ब्रिज, और ये नीचे इससे गली जा रही है, और ये ब्रिज बना रखा है। ये देखिए क्या खूबसूरत, मतलब यार मज़ा ही आ गया। उधर मुर्गियाँ हैं नीचे, उधर ये बच्चे हैं, हेलो, वाओ, ये देखो भाई, इन्होंने वो टायर का बना रखा है। हम भी ऐसे ही बनाते थे जब छोटे थे, तो ऑलमोस्ट ऐसे ही, थोड़ा बहुत शर्मा रहे हैं बच्चे, अदरवाइज कैमरे के सामने ऐसे कर रहे हैं, नहीं तो बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत बातें करते हैं। अभी गायब हो गए, तो दूसरी साइड देखते हैं अभी उधर क्या है। अभी हम इधर आ गए हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं, इन पर लकड़ी का ये मकान बना रखे, इन पर डिजाइन बना रखे, ये बाँस से इनकी दीवार बनाई गई है। हेलो, किमे चाय बात खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं भाई साहब ये। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना मक्की भी ज़्यादा होती है ना, तो ये ऐसे मक्की पे ये सुखाने के लिए रख देते हैं ये सब। सो अभी मैं आ चुका हूँ एक और घर की साइड में, चलिए इनसे बात करते हैं क्या बना रहे हैं। और ये देख सकते हैं ना इधर, ये लकड़ी बांस का। हेलो सर, हाउ आर यू, क्या बना रहे हो सर? क्या बना रहे हो आप? घर बना रहा है? अरे वाह, आप खुद ही बना लेते हो? आप खुद ही बना लेते हो क्या घर पूरा? अच्छा, और ये धान वगैरह के लिए स्टोरेज? ओके ओके, ये स्टोरेज है भाई, धान वगैरह रखने के लिए ये। हो या, ये देखो धान इसमें रखते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? धान रख, इसको बोलते क्या? इसे रखता है पूरा। ओके, बस इस सब में धान ही रखा है। अच्छा अच्छा, और यहाँ क्या बैठने के लिए बना रहे हो या कुछ? धान रख देगा, धान रखने के लिए। ओके ओके, सो देख सकते हो यहाँ पर खुद ही सर लगे हुए हैं अपना धान रखने के लिए ये। सो आपने देखा कि यहाँ के लोग काफी मेहनती हैं यार, यहाँ काम करते रहते हैं। हाय, वो बच्चे देखो यार, मुझे हाय बोल के फिर गायब हो जाते हैं, फिर आगे से फिर आएंगे, फिर भाग जाएंगे, फिर आएंगे, फिर भाग जाएंगे, ऐसा कर रहे हैं अभी फिलहाल। ये देखिए, ये मकान देख सकते हैं आप, लकड़ियाँ वगैरह या टीने वगैरह ये पुराने होते जा रहे हैं, इनको चेंज करते जाते हैं। ये हैं तेमी कम्युनिटी हॉल किदिमा, यहाँ अलग अलग उसके कम्युनिटी हॉल बने हुए हैं, ये देख सकते हैं। एक कम्युनिटी हॉल ये वाटर टैंक इसके पास में है, और इधर की साइड में ये देखिए, इन्होंने मुर्गी और पिग यहाँ पर इस बेड़े में रखे हुए हैं। ये यहाँ पर डक है, नीचे वाली में ये डक है, और ये इस तरीके से ये गांव है, मुर्गी है। ओ फाइनली आपने निकाल ही दिया है। सो भाई जी, हमें तो नहीं पता हम जहाँ खा रहे हैं, हम ऐसे ही गलियों में बढ़ते हुए आगे की तरफ निकलते रहते हैं, और फिर से हमें ऐसे ऐसे ये मिल जाते हैं। ये फिर पिक वगैरह, मुर्गी वगैरह रखने की जगह है, ये स्क्रूस है, ये गन्ने हैं, इधर गन्ने लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। सो अभी यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, थीमिया कुछ नाम से, जिसे मुझे नहीं प्रोनाउंस करना आता। इधर वाला ये रूट है, इधर वाला ये रूट है, रास्ते देख सकते हो। तो उधर तो हमें रास्ता ऊपर की तरफ जाने का मिल रहा था, तो अब हम नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ पर खेती होती है, मेन जो खेती होती है इनकी, देखते हैं वहाँ पर कुछ कोई लोग मिलेंगे जिनसे हम बात कर पाएँ कि उन कौन सी यहाँ पर खेती होती है। मेनली तो मेरे हिसाब से तो यहाँ धान होता है, और यहाँ मक्की होती है, और उसके बाद तो ये
ये सब्जी वगैरह होती हैं, ये देख सकते हैं आप, इधर भी यही सब्जी वगैरह लगी हुई है। हम इस गली से जा रहे हैं अभी, और मकान आपने देख ही लिया यहाँ पर कैसे होते हैं। देख कुछ देखो कितना बड़ा लगा हुआ है यहाँ पर यार, बड़ा टेस्टी होता है यहाँ पर, है ना। ये लोग बड़े बड़े अच्छे हैं यार, आप जाओगे ना कि हमें ये स्क्वीज वगैरह चाहिए तो आप तोड़ के दे दीजिए, तोड़ लीजिए ले लीजिए, ऐसे बोलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, ये देखिए यार, वाह, मतलब ऐसी ऐसी जगह पे ये ऐसे बने होते हैं ना, बड़े अच्छा लगता है यार। अभी हम आ चुके हैं मेन रास्ते की तरफ, और ये देखिए यहाँ पे, ये लग रहा है ना वाटरमेलन की तरह, बट वाटरमेलन नहीं है, ये पेठा है यहाँ पर अलग किस्म का। सो ये आगे हम नीचे की तरफ मेन रोड पे, और यहाँ से देखते हैं क्या अभी रास्ता। सो गाइस अभी हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच चुके हैं जहाँ से इधर जाएंगे तो ये विलेज के अंदर ही एंटर कर जाएंगे, और इधर चले जाएगा आप, ये दूसरा एरिया में चले जाएगा, दूसरे गांव में चले जाएगा। ये बांस के पेड़ है, और इधर ये है कुलक्सन गम स्टोरेज यूनिट है किदिमा वेजिटेबल्स विलेज, और ये जो है वेजिटेबल्स विलेज गार्डन है। चलिए इस गार्डन के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पर हैं। अभी इस गार्डन में हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, यहाँ पर कैबेज है, लहसुन है, ओनियन है, बीन्स हैं, स्क्वैश है, और ये टावर है। सो अभी आगे और जाके देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ये टमाटर हैं, ये देखिए छोटे छोटे टमाटर, और ये पता नहीं क्या है, वो बीन्स टाइप्स की हैं ये भी कुछ, और इधर भी ये देख सकते हो काफ़ी बड़ी बड़ी गैबेज यहाँ पर लगी होती हैं यार। ये देखिए ये लहसुन है या ओनियन, आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से ये लहसुन है, ये लहसुन है, और आगे भी लहसुन लगा हुआ है। ये इस लकड़ियों पे ये बीन्स टाइप्स की कुछ फली लगी हुई हैं, और उधर वो चर्च है देख सकते हैं आप। से हमारे लिए हेलो बडी, हाउ आर यू? फाइन, कैसे आए हो, क्या लेके आए हो, देख सकता हूँ? ओ ये ओनियन, ओ ओनियन है भाई, ये ओनियन है, थैंक यू। सो ओनियन अभी लेके आए हैं वहाँ से, जिसे ओनियन टाइप का ही है, आल पहले निकालोगे तो आल है, इसको आल बोलते हैं हमारे हरियाणवी में तो, और आदरा आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या बोलते हैं। और ये पूरा एरिया एग्रीकल्चर लैंड है देख सकते हो, यहाँ पर खेती बाड़ी होती है। उधर वो किंग चिल्ली लगी हुई है भाई, वो रेड कलर की, भाई देखते ही मेरे मुंह में जलन पैदा हो रही है। मैंने एक दिन है ना वैसे खा ली थी निरना बासी, और किसी ने बताया कि आप ऐसे खाते हो ना तो उस दिन आप रेस्ट करो, चलो मत। और मैं उस टाइम पर घूम रहा था तो मेरे पेट में ना कुछ चुभ रहा हुआ यार, तो उन्होंने बोला कि जलेगा आपका पेट, तो तब मुझे पता चला कि ये खाने के बाद रेस्ट करना चाहिए। और ये क्या है भाई, ये क्या है, टमाटर, ऐसे टमाटर, कुछ अलग टाइप के टमाटर नहीं है, अलग टाइप के टमाटर लगे यार मुझे। सो काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी शांत जगह है, काफ़ी पीसफुल एरिया है। और टिकलू भाई जी क्या कहोगे, कुछ दो वर्ड हमारे भाई ऑडियंस के लिए? ऑडियंस को मैं पहले तो बोला तो भाई आप लोगों को इतना बढ़िया बढ़िया जगह दिखा रहा है, एक्सप्लोर करा रहा है, मतलब जो आप लोग को देखने में अचानक से नहीं मिलता है, बहुत मुश्किलों के बाद यहाँ पे पहुँचा है भाई, और आप लोगों को इतना मेहनत से दिखा रहा है इतना सब कुछ, तो आप लोग भाई को सपोर्ट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जितना हो सका भाई को सपोर्ट करें। और मुझे भी, हमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नागालैंड में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, विलेज घूम रहा हूँ, यहाँ का लोग, यहाँ का एग्रीकल्चर, यहाँ का एवरीथिंग, मतलब सब कुछ इतना बढ़िया है ना, मस्त लगे, दिल खुश हो जाता है, तो काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ हम लोग भी। आप लोग भी वीडियो देखिए, इंजॉय कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और भाई का चैनल है टिकलू ब्लॉग्स, जाके विजिट करें, देखें और सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो कमेंट करके बोले कि प्रदीप के बैकपैकर प्रदीप के चलन से आए हैं। ये है ये गांव, खूबसूरत सा गांव, और आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं यार, यहाँ की खूबसूरती ना, एक्चुअली सच में कह रहा हूँ मैं यहाँ बस जाना चाहता हूँ अगर कोई मुझे जमीन देते तो। हेलो, सो देख सकते हो गाँव के लोग सफाई करते हुए यहाँ पर, सफाई अभियान चल रहा है। हेलो सर, हाउ आर यू? ये सफाई अभियान चल रहा है भाई, अब
सो देख सकते हो ये गांव क्या मतलब क्लीन खूबसूरत। और ये पानी की टंकी यहाँ पर, पानी की बहुत प्यास लगी हुई थी भाई, अब थोड़ा पानी पीते हैं यहाँ। चलेगा क्या? चल गया। क्या नाम है अपना? लगा नाम कैकी सोनी। एंड योर? मैका थनो पता खनो। ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों साइड में लकड़ियाँ दिख रही हैं आपको स्टोरेज में, तो ये पूरे गांव में ऐसे ही लकड़ियाँ रखते हैं। काफ़ी अच्छा गांव है, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी क्लीन है। और अगेन फिर कहता हूँ, आपको मौका मिलता है नागालैंड के कोई भी गांव को एक्सप्लोर करने का तो ज़रूर कीजिए। ये देखिए यार भाई क्या खूबसूरती है यहाँ पर। अभी हम दूसरी साइड में आ चुके हैं और ये देखिए क्या खूबसूरत जगह है यार, मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है जगह। अभी फिर से हम रोड पे आ गए हैं। तो ये था किदिमे विलेज, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद जय भारत।